नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोटक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोटक चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे कपूर की। कपूर जो होता है वो खास तौर पे पूजा के समय इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जब पूजा में हम आरती करते हैं तब भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। कपूर के और भी बहुत सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं और क्या कुछ कपूर के उपाय करने से आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा समाप्त कर सकते हैं, इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कपूर की, तो कपूर जो होता है एक तरह से जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आती है, सकारात्मकता बहुत लेके आती है। जब भी आप कपूर को अपने घर में जलाते हैं या आरती के समय पूजा करते समय जलाते हैं तो आपने देखा होगा उसकी खुशबू से ही आपके मन को, आपके मस्तिष्क में शांति महसूस होने लगती होगी और वातावरण में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो कपूर होता है जब ये जलता है तो इसके अंदर जितने भी एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया होते हैं इन सबको ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ जो कपूर होता है उसके क्या कुछ उपाय करने हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो कपूर का उपाय, सबसे पहला, अगर आपको किसी भी तरीके का भय लगता है, डर लगता है किसी भी चीज़ से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, तो आपको करना क्या है, रात को सोते समय जब आप सोने के लिए जा रहे हो तब आपको कपूर जलाना है एक मिट्टी के दिए में, और कपूर जलाना है साथ साथ उसमें 7 लौंग जला दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उसके बाद आप सोइए। ना आपको किसी चीज़ का डर लगेगा, ना कोई अगर आपको बुरे सपने आते हैं ना वो आएंगे, और अगर कोई भूत प्रेत बाधा है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको मानसिक तनाव से आप परेशान हो चुके हैं, माइंड बैलेंस नहीं रहता, स्टेबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि जो दिमाग है वो आपका तरोताजगी से भरपूर रहे, तो करना क्या है, जब आप स्नान करने जाएं तो स्नान करने वाले पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल लें और उस पानी से आप स्नान करें। आपका मन भी शांत रहेगा और साथ साथ माइंड भी बैलेंस रहेगा, स्टेबिलिटी आएगी। इसके बाद हम तीसरे उपाय की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, साथ साथ अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद बना रहे, तो करना क्या है, जब आप रात को रसोई घर साफ़ कर लें, खाना खाने के बाद में, भोजन करने के बाद जब आप रात को बर्तन धो करके रसोई घर को साफ़ कर लेंगे तो आपको करना क्या है, एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, उसमें लौंग और कपूर जला दीजिए। जब तक वो जलेगा उसकी जो धुआं रहेगा पॉजिटिविटी रहेगी तो उसको जलने दीजिए, जब तक वो जलता है, ऐसे समय की कोई पाबंदी नहीं है। ये अगर आप नित्य रूप से करते हैं 43 डेज तक तो आपके घर में धन की वर्षा होगी, साथ साथ अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद भी बना रहेगा। इसके साथ साथ हम चौथे उपाय की बात करेंगे। यदि विवाह में कोई भी बाधा आ रही है, विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है विवाह होने में, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा या जल्दी से टूट जाता है या आपके योग्य वर नहीं मिल रहा, तो करना क्या है, 46 लौंग ले लीजिए, 46 लौंग ले लीजिए, इसके साथ साथ 6 कपूर की टिकिया, जो कपूर छोटे छोटे होते हैं उसकी 6 टिकिया ले लीजिए, हल्दी और चावल, ये सारी चीज़ें आप ले करके मिला करके इसको आप इसकी आहुति दुर्गा माँ को दीजिए। जब दुर्गा माँ की आप अर्चना करते हैं या अगर घर में नहीं करते हैं तो मंदिर में जाकर भी दुर्गा माँ को इन सारी चीज़ों की आहुति आप दे सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर विवाह में बाधा आ रही होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ घर में अगर आप कैम्फर लैंप जलाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इंग्लिश जिसे हम कहते हैं उसमें इसको कपूर को कैम्फर भी कहा जाता है, तो यदि आप कैम्फर लैंप अपने घर में जलाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है घर का, और साथ साथ यदि आपकी कुंडली में राहु दोष है तो वो भी समाप्त होता है। इसके साथ साथ पितृदोष और कालसर्प दोष में भी आपके सुधार आता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या कालसर्प दोष है, इसके कारणवश आपके काम रुक रहे हैं, तो आप कपूर
चलाइए अपने घर में, आपके ये सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।